नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ठंड बहुत बढ़ गई है ना, तो उम्मीद है कि आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, अब तो घरों पर ही हो तो ख्याल तो रख ही रहे होंगे, लेकिन अभी के टाइम पर ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको पता ही है बाहर क्या कोरोना फैला हुआ है, तो जरा सा भी सर्दी जुकाम थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। तो ध्यान रखिए अपना। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। आज जो हमारी कंटिन्यूस लेक्चर सीरीज चली आ रही थी, अब तक हम 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रकाशिक समाव्यता को हम डिटेल स्टडी कर रहे थे, है ना। क्या शुरू की थी हमने? प्रकाशिक समाव्यता, उसमें हमने देखा था प्रकाशिक समाव्यता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें पाई जाती है, उन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है जो पीपीएल की प्रति क्या दर्शाते हैं, अपनी कोई अंतरक्रिया या कोई इंटरेक्शन दर्शाते हैं, मतलब पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है पदार्थ, ठीक है, तो क्या करेगा वो? पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो पीपीएल के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। फिर हमने देखा था कि क्या क्या कंडीशंस हैं जो मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बनाती हैं। मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए या ऐसा क्या नहीं होना चाहिए जिससे वो क्या हो जाए? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए। क्योंकि सारे मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। तो जो नहीं होते वो क्यों नहीं होते, ऐसा क्या है उनके अंदर, या जो होते हैं तो वो क्यों होते हैं, वही तो पढ़ रहे थे हम। तो हमने देखा था कि मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर काइरल सेंटर होना चाहिए, है ना। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, सॉरी, काइरेलिटी होनी चाहिए। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होनी चाहिए? काइरेलिटी, किरालिता होनी चाहिए। अब ये काइरेलिटी क्या होती है, देखा था हमने। काइरेलिटी का मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे कि हमारे दोनों हाथ, जैसे कि हमारे दोनों पैर, क्या है ये? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। यानी कि हमारे हाथ क्या होते हैं? काइरल होते हैं। हमारे पैर क्या है? काइरल है, मतलब ऐसे हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसके ऊपर अध्यारोपित ना हो, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं? काइरेलिटी कहते हैं। या तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, या फिर क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना तो एक क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन है और वन एंड ओनली कंडीशन है। मतलब एक मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को काइरल होने के लिए एक, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन की आवश्यकता होती है, उसके अलावा कुछ और हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और पीपीएल को घुमा देगा। अगर किसी कारणवश मिरर इमेज क्या हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, तो फिर वो पीपीएल को, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, पीपीएल को नहीं घुमाएगा, कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा पीपीएल के लिए, है ना। फिर हमने देखा था मॉलिक्यूल के अंदर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के लिए क्या 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 होना आवश्यक है, कब होगी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो हमने देखा था कि उसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट, कोई भी सम्मिति का तत्व उपस्थित ना हो। मॉलिक्यूल के अंदर क्या ना हो? कोई भी सम्मिति का तत्व उपस्थित ना हो। तो हम वही पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सम्मिति के तत्व, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्लेन ऑफ सिमेट्री को पढ़ लिया था, सम्मिति का तल। और मैंने बोला भी था एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है? एक टूल है, एक औजार है, ये पता करने के लिए कि मिरर इमेज सुपर इम्पोज होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो काइरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और अगर हो गई तो एक काइरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या था? कि मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा काल्पनिक तल उपस्थित होना चाहिए कि जिससे अगर मैं मॉलिक्यूल को काटूं दो भागों में, अगर मैं मॉलिक्यूल को क्या करूं, दो भागों में विभाजित करूं, तो दोनों भाग इस तरीके से विभाजित होने चाहिए कि वो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो। फॉर एग्जाम्पल, ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है। अगर मैं इस बोतल को ऐसे काटूं, यहां से काटूं ऐसे, तो जो ऊपर वाला पार्ट है, क्या नीचे वाले पार्ट की मिरर इमेज होगा? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा भाई? ऊपर ढक्कन है, नीचे ढक्कन थोड़ी ना है,
तो ऐसे तो मिरर इमेज नहीं होगा, यानी कि ये वाला प्लेन तो इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे काटूं, यहाँ से काटूं, बीच में से, बिल्कुल बीचों बीच में से काटूं, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे और दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से की क्या होगा, मिरर इमेज होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। इसका मतलब इस बोतल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, यानी कि सममिति का तल मौजूद है। और अगर इसके अंदर सममिति का तल मौजूद है तो ये क्या हो गया, एकाइरल। अगर एक भी प्लेन मौजूद है, मैंने बोला था जरूरी नहीं हमें 10 प्लेन ढूंढने, कोई एक प्लेन ढूंढ लीजिए, अगर कोई एक प्लेन भी मौजूद है तो फिर वो मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज बनेगी वो क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल के ऊपर अध्यारोपित हो जाएगी, वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो पीपीएल को नहीं रोटेट कर पाएगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, किसी भी तरह का प्लेन अनुपस्थित होना चाहिए। काइरल होने के लिए मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल को अगर काइरल होना है, ऑप्टिकली एक्टिव होना है, तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, किसी भी तरह का तल मौजूद नहीं है, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, काइरल। और काइरल होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि पीपीएल को रोटेट कर देगा। ठीक है, तो आप तो कुछ मत कीजिए, मॉलिक्यूल में केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लीजिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा आपको तो इसका मतलब मॉलिक्यूल काइरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दूसरा हमने सिमेट्री एलिमेंट क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि किसने ऑर्डर की थी, एन ऑर्डर की थी। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, सी है। अच्छा हाँ, मैंने ये तो बताना भूल ही गई कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किससे प्रदर्शित करते हैं, सीएन से, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, सीएन से प्रदर्शित करते हैं। और एन क्या है, यहाँ पर एन है ऑर्डर, कितने ऑर्डर किए टोटल, और एन कैसे निकालते हैं, टोटल एंगल जो था 360 डिग्री का, टोटल एंगल क्या होता है 360 डिग्री। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को 360 डिग्री, अगर मैंने 180 डिग्री रोटेट किया तो ये तो अपोजिट में आ गया, सेम नहीं था। क्योंकि पहले मान लो मैंने ये मॉलिक्यूल लिया जिसमें इस तरफ ढक्कन है, मैं 180 डिग्री रोटेट किया केवल, तो ढक्कन इधर आ गया, लेकिन मैं पूरा फिर से 360 डिग्री रोटेट कर दूं तो जैसा मॉलिक्यूल था वैसा ही मिल गया। तो एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जिससे मॉलिक्यूल को 360 डिग्री घुमाने पर सेम हमको क्या मिले, अगर हम मॉलिक्यूल को बारी बारी किसी एंगल से घुमाएं, मान लो पहले 90, फिर 180, फिर 120, जैसे भी घुमाएं, घुमाने पर इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिले और फाइनल 360 डिग्री घुमाने पर क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सीएन से प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से करते हैं। किससे करते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा दो तरीके का होता है, खैर वो तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। सिग्मा दो तरीके का होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक तो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, और एक वर्टिकल प्लेन होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक होता है वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है, ये हाइयर, मतलब कभी तुम एमएससी में चले जाओगे वहां तुम पढ़ोगे ग्रुप थ्योरी, क्या पढ़ोगे, ग्रुप थ्योरी, तो वहां तुमको जरूरत पड़ेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां के, क्योंकि वहां पर क्या देखा जाता है, मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स को देखा जाता है, तो आप ये वहां पढ़ोगे। तो ये अभी तुम्हारे काम का नहीं है, जैसे इसको सीएन से प्रदर्शित करते हैं, ये भी अभी तुम्हारे काम का नहीं है। अभी जो तुम्हें देखना है तुम वो देखो कि मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी तरह का प्लेन मौजूद नहीं होना चाहिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो मैंने बोला था, मैंने कहा है कि किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम जब हाइयर क्लासेस में जाओगे तो देखोगे बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति की अक्ष मौजूद है, लेकिन फिर भी वो क्या है, काइरल है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उससे काइरलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बहुत सी जगह हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल काइरल भी है और उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद भी है, तो इसके होने से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, सिग्मा नहीं होना चाहिए, अगर सिग्मा हो गया तो तबाही आ जाएगी। सिग्मा अगर मिल गया आपको एक भी तो क्या हो जाएगा, तबाही ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो सिमेट्री एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए थे।
तबाही हो जाएगी, मॉलिक्यूल एक काइरल हो जाएगा, फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। तो दो सिमेट्री एलिमेंट पढ़ लिए थे, अब हम तीसरा सिमेट्री एलिमेंट देखते हैं जो कि है, जिसे बोलते हैं सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है? सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये भी क्या है, क्या है भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री? मान लो मॉलिक्यूल के बीचों बीच कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बीचों बीच हम एक ऐसा क्या रख दें, एक सिल्वर सरफेस वाली एक बॉल रख दें। क्या रख दें? छोटी सी, बहुत छोटी सी टाइनी बॉल रख दें, ठीक है। तो उस बॉल में हम देखेंगे कि जो एक सामने वाला ग्रुप है उसकी मिरर इमेज उसके जस्ट सामने होनी चाहिए। अगर ऐसा मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि ऐसा केंद्र बन रहा है कि उसके अपोजिट वाले ग्रुप सेम हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या बनेगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एक तरह का क्या काम करता है? ये बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो फिर वो मॉलिक्यूल पीपीएल के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? एक आयरल हो जाएगा, उसकी मिरर में सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो इसका मतलब वो पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी क्या होना चाहिए? अनुपस्थित होना चाहिए। मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अनुपस्थित होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ वह बिंदु जिससे किसी दूसरे बिंदु, क्या लिख सकती हूँ? वह बिंदु जिससे किसी, ये दिखाया ना, जिससे किसी दूसरे बिंदु तक एक ही दिशा में खींची गई रेखा को, दूसरे बिंदु तक एक ही दिशा में खींची गई रेखा को, एक ही दिशा में खींची गई रेखा को जब विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तक बढ़ाया जाता है, खींची गई रेखा को जब विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तक बढ़ाया जाता है, उतनी ही दूरी तक बढ़ाया जाता है तो एक समान बिंदु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एक कॉमन पॉइंट प्राप्त होता है। तब क्या प्राप्त होता है? तब एक समान बिंदु प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र, जिसे प्रदर्शित किससे करते हैं? आई से। सेंटर ऑफ सिमेट्री को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो सममिति का केंद्र सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री सममिति का केंद्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लें, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो शायद अब आ जाए समझ में इसको देखकर। इस तरह से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है। मान लो यहाँ COOH ग्रुप लगा है, यहाँ COOH ग्रुप लगा है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है, ऐसे है। मान लो यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ क्या है? H है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा मानू इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच एक मिरर रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ है? मिरर नहीं, एक बॉल रखी हुई है। कैसी? एक गोलाकार सिल्वर शाइनी छोटी सी बॉल रखी हुई है मॉलिक्यूल के बीच में। अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो एक तरफ क्या दिखाई देगा? COOH। तो यहाँ से इस बिंदु को, इस बॉल को मैं क्या मान लू? एक पॉइंट मान लू, जैसा कि मैंने बोला है एक बिंदु से
COOH ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसी बिंदु को जो हमने रेखा खींची है इसी रेखा को हम क्या कराएंगे, विपरीत तरफ बढ़ाएंगे। अगर विपरीत तरफ भी समान ग्रुप हो, COH के अपोजिट में क्या है, COOH है ना, COOH ऐसे है, ठीक है, कैसे बताऊं, एक मिनट, ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, यहाँ चार ग्रुप लगे चारों कोने पर इस तरीके से, एक इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर, ठीक है। अब मान लो ये जो ऊपर साइड है यहाँ पर क्या है, COOH है, क्या है यहाँ पर, COOH, इस साइड COOH है, और दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड COOH कहाँ है, नीचे की तरफ, यहाँ इस साइड COOH है। तो अगर मैं COOH को COOH से मिलाऊं, एक रेखा पास करूं COOH से, तो ये जो रेखा होगी क्या करेगी, यहाँ है इस पॉइंट से मैं अगर रेखा को रेखा डालूं तो क्या होगा, यहाँ से जाते जाते ये ग्रुप है, तो यहाँ से जाते 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 केंद्र आएगा, केंद्र से कहाँ मिलेगी, ऊपर जाते जाते ऊपर वाले ग्रुप को मिलाएगी, यानी कि एक रेखा से जोड़ू तो अपोजिट साइड पर सेम ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो CH3 है, CH3 के नीचे से ये रेखा कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है, फिर इस पॉइंट के ऊपर आते ही क्या है, अपोजिट साइड। तो अगर CH3 के अपोजिट CH3 है, ऐसी मैं अगर हाइड्रोजन के अपोजिट देखूं तो हाइड्रोजन के अपोजिट कौन है, हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन के अपोजिट कौन है, हाइड्रोजन है। तो जब ये सारी रेखाएं जहां पर मिलती हैं, ये जो बिंदु है, ये सारी रेखाएं कहां मिल रही हैं, ये जितनी भी रेखाएं हैं एक बिंदु पर काट रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, अगर एक बिंदु पर ये सारी रेखाएं क्या मिल रही हैं, मिल रही हैं, इसी बिंदु को, इसी सेंटर पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये सारी रेखाएं मिलती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आई, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां पर मौजूद होता है, जहां पर किसी ग्रुप के अपोजिट, यानी किसी समूह के अपोजिट सेम समूह हो, ये COOH है ऊपर, तो इसके अपोजिट यानी सामने वाली साइड पर नीचे की तरफ क्या है, COOH, तो मैंने COOH को COOH से मिलाया, CH3 है नीचे की साइड, तो अपोजिट सामने वाली साइड पर क्या होना चाहिए, CH3, अब तो CH3 को CH3 से मिलाया, नीचे H है तो यहाँ पर H क्या होना चाहिए अपोजिट में, अब तो H को H से मिलाया, इस वाले H को इस वाले H से मिलाया, तो बीच में मुझे क्या मिल रहा है, केंद्र प्राप्त हो रहा है, जहां पर ये सारी रेखाएं आपस में आकर मिल रही हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है वो कैसा हो जाएगा, एकाइगल हो जाएगा, अकिरेल। अब तक तो समझ गए होंगे, मैं तो इंग्लिश वर्ड यूज करूंगी, आपको हिंदी में मैंने पहले ही समझा दिया ये वर्ड पिछले लेक्चर में, कि एकाइगल का मतलब अकिरेल का मतलब ये क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ये PPL के प्रति किसी भी तरह का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल होना चाहिए उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, यानी कि उनमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर ये मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर तो मॉलिक्यूल कभी भी काइरल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वो एकाइरल हो जाएगा, और एकाइरल हुआ तो एकाइरल क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, वो PPL को रोटेट नहीं करते। ये ले लें, यहाँ इथेन ले लें, क्या ले रहे हैं, इथेन। इससे पहले मैंने आपको इथेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन और साहोर्स रिप्रेजेंटेशन दिखाया था ना, तो मान लो इथेन ले लें, इथेन क्या, हाँ चलो इथेन ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इथेन की कौन सी फॉर्म है, ये याद है ना, सिखाई थी ना तुम लोगों को, इथेन की दो फॉर्म में पाया जाता है, एक एक्लिप्स्ड होती है और एक क्या होती है, स्टेगर्ड। तो ये वाली जो फॉर्म है ये कौन सी है, स्टेगर्ड है, कौन सी फॉर्म है ये इथेन की, स्टेगर्ड। तो यहाँ पर देखूं ये हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट कौन सा हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट ये वाला हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन के अपोजिट क्या है, ये वाला हाइड्रोजन है, यानी कि मैं इसको यहां से मिला हूं तो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट क्या है, ये वाला हाइड्रोजन, तो इसको मिलाऊं, ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन के अपोजिट क्या है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन के अपोजिट नीचे है और ये वाला हाइड्रोजन अप है, तो ये मौजूद है, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ये वाला हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट कौन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है, इसके अपोजिट कौन है,
ये इधर है H, तो ये डाउन है, तो ये वाले हाइड्रोजन के अपोजिट ये वाला हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारी रेखाएं एक पॉइंट पर काट रही हैं, यानी कि इस पे जब मैं अपोजिट हाइड्रोजन्स को मिलाती हूँ, अपोजिट हाइड्रोजन्स को एक दूसरे से मिलाती हूँ, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट प्राप्त होता है जहां पर ये सारी रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को कट करती हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम आई, यानी कि इथेन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आई मौजूद है, और अगर इथेन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आई मौजूद है तो ये क्या करेगा, ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, एकाइरल क्यों हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो फिर इसकी जो मिरर इमेज हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी, यानी कि इसकी मिरर इमेज को हम उठाकर इसके ऊपर रख सकते हैं, पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो जाएगी, और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई, अध्यारोपित हो गई, तो फिर वो क्या हो गया, एकाइरल हो गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, काइरल होने के लिए क्या कंडीशन है, काइरल होने के लिए केवल एक ही कंडीशन है, वन एंड ओनली कंडीशन है क्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, याद रखिएगा मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, काइरल होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का होना अति आवश्यक है, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक आयरन हो जाएगा, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के लिए क्या होनी चाहिए, ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होने चाहिए, आर एबसेंट, लेकिन सेंटर ऑफ सॉरी एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है, कई कई केसेस में हम देखेंगे जहां पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री मौजूद है लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, काइरल, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम एक्सेप्शन में ले सकते हैं, मौजूद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लेन और आई यानी सिग्मा और आई पूरी तरह से एबसेंट होने चाहिए, तो ये हमने तीन सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े, आपको समझ में आ गए होंगे तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रकाशित समाधान का, मैंने तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स इसलिए पढ़ा है क्योंकि फिर मैं बोलूंगी किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जब आपको पता ही नहीं है कि सिमेट्री एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो देखोगे कैसे कि क्या अनुपस्थित है, क्या होना चाहिए अनुपस्थित, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स देख लिया आपने, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अणु को क्या होने के लिए, ध्रुवण घूर्णक यानी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसमें क्या होने चाहिए, सिग्मा आई आदि सम्मिति तत्व सीएन भी लिखे सीएन सिग्मा आई आदि सम्मिति तत्व अनुपस्थित होने चाहिए, अगर मॉलिक्यूल में ये एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो इन सबको एब्सेंट होना चाहिए, हम यहाँ नोट डालकर हम लिख सकते हैं क्या के सीएन मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित हो भी सकती है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री ना हो, या ये भी देखा गया है कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री अनुपस्थित हो भी सकती है या उपस्थित हो सकती है, किसमें, किरैल अणु में यानी काइरल मॉलिक्यूल में, हमारे पास जो मॉलिक्यूल है अगर काइरल है तो उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो भी सकती है, यानी काइरल मॉलिक्यूल है फिर भी उसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है और नहीं भी हो सकती, तो एक ही सिमेट्री एलिमेंट है जो कि कौन है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जो कि काइरल मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, आप आगे की क्लासेस जब हायर क्लासेस में जाओगे एमएससी एमएससी तब वहां पर आपको ये पॉइंट काम आएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन है किसके लिए, मॉलिक्यूल के काइरल होने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, दूसरा क्या, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए,
कल भी मैंने बताया था, क्या बोला था मैंने, कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर या इसको बोलते हैं असममिति का केंद्र। कायरल सेंटर को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं, असममिति का केंद्र। तो क्या होता है असममिति का केंद्र, ठीक है देख लेते हैं एक बार। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर उपस्थित है जिसको बोलते हैं हम असममित कार्बन परमाणु। कायरल सेंटर का मतलब क्या है, असममित, असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु। अब ये क्या होता है, क्योंकि मैं कई बार बोलूंगी कि देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है या नहीं, या मैं बोलूंगी कि यहाँ मैं खुद ही दिखा दूंगी कि इसके अंदर असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है, तो आपको पता तो होना चाहिए। जैसे मैंने सिमेट्री एलिमेंट्स बताए कि पता तो होना चाहिए कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वैसे आपको पता तो होना चाहिए असममित कार्बन परमाणु। या इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं, बहुत कॉमन है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बोलूंगी तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कायरल सेंटर क्या होता है, कई बार बता चुकी हूँ कायरल सेंटर क्या होता है। क्या होता है कायरल सेंटर या असममित कार्बन परमाणु, एक ऐसा कार्बन परमाणु जो sp3 संकरित हो और जिससे चार अलग अलग समूह जुड़े हुए हों। तो हम यह लिख सकते हैं एक ऐसा कार्बन परमाणु, ऐसा कार्बन परमाणु जो कि कैसा हो, जो कि sp3 संकरित हो तथा उस पर चार अलग अलग समूह जुड़े हुए हों, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, असममित कार्बन परमाणु, एसिमेट्रिक कार्बन या काइरल सेंटर कहते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन या काइरल सेंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लूं मैं, तो यहाँ पर ये जो कार्बन परमाणु है बीच में ये जो कार्बन है जिससे चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये क्या है sp3 संकरित है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है एक कायरल सेंटर। और कितने कायरल सेंटर है इसके अंदर, एक। अगर मैं गिनूं कि इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है, एक। अगर मैंने ऐसे ले लिया COH OH H OH H H OH और यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, नीचे क्या ले लिया CH3, ठीक है। अब मैं बोलूं इसके अंदर बताओ कि कायरल सेंटर या असममित कार्बन परमाणु उपस्थित है या नहीं, तो तुम देखोगे एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, ठीक है। sp3 संकरित है, सही है, कोई भी डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, sp3 संकरित है भाई संकरित है। और इस कार्बन से अब देखो ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, ऊपर COH है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, और एक तरफ क्या है, एक तरफ कार्बन है जिस पर OH है तो CH3, यानी एक अलग तरीके का ग्रुप है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, असममित कार्बन परमाणु है। अगर ये है तो इस पर चेक करते हैं, ये भी है या नहीं, तो इस पर देखें sp3 संकरित है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोक्सिल, इधर CH3 और इधर एक R ग्रुप है, इसका मतलब ये भी क्या है, असममित कार्बन परमाणु, कायरल सेंटर है। तो इसके अंदर टोटल कायरल सेंटर कितने हैं, टोटल कायरल सेंटर कितने हैं, दो। इसके अंदर कितने कायरल सेंटर थे, एक, यहाँ पर कितने हैं, दो, ठीक है। अगर ये ले लूं ग्लूकोज कायरल सेंटर कितने हैं, दो। अगर मैंने ये ले लिया ग्लूकोज CHO, ग्लूकोज तो सभी जानते होंगे है ना, 12th में पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा 12th में, ग्लूकोज स्ट्रक्चर भी जानते होंगे। ग्लूकोज की बात करूं और मैं पूछूं कि अब ये बताओ, ग्लूकोज को पढ़ा होगा ना 12th में, और ये भी पढ़ा होगा कि ये कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ग्लूकोज कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि इसके अंदर कायरल सेंटर मौजूद होना चाहिए, देखते हैं है या नहीं। और इसकी मिरर इमेज क्या होनी चाहिए,
ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? काइरल। और काइरल होने के लिए क्या होना चाहिए उसमें? नॉन सुपर इम्पोजिबल। काइरलिटी के लिए एक ही कंडीशन है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो मॉलिक्यूल काइरल हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखूं, क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कहीं से भी लगा सकती हूँ, इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाऊं, अगर यहाँ से लगाऊं तो एक तरफ OH और एक तरफ H है, तो हो ही नहीं सकता। बीच में से कहीं से काट नहीं सकती, क्योंकि अगर बीच में से भी काटूंगी तो इधर CHO ग्रुप है, इधर CH परमाणु है इसके अंदर, काइरल सेंटर की गिनती करके बताओ। तो देखते हैं, एक तो ये कार्बन है ना, यहाँ देखें एक तरफ CHO है, एक तरफ OH है, एक तरफ OH है, और एक तरफ ये पूरा क्या हो जाएगा, आर ग्रुप। ये है काइरल सेंटर, है ना काइरल सेंटर। sp3 संकृत भी है और चार अलग अलग ग्रुप भी है। इस पर देखें sp3 संकृत है, अगर ग्रुप देखें एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ C पे CHO लगा हुआ है, और एक तरफ CHOH, CHOH और CH2H आर ग्रुप है। इसका मतलब इस पे भी काइरल सेंटर मौजूद है, क्योंकि चार ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन से अलग अलग। इस कार्बन को देखें, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, ठीक है, एक तरफ क्या है CHOH और CH2H, और एक तरफ क्या है CHOH, CHOH, CH2H, यानी कि इस कार्बन से भी चार अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। अलग अलग है ना, ये ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप क्या है, अलग है, तो ये भी क्या है, एसिमेट्रिक सेंटर। अगर इस कार्बन की बात करूं तो यहाँ पर एक तरफ OH है, H है, एक तरफ तो CH2H, और एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप, इसका मतलब ये भी एसिमेट्रिक सेंटर है। तो अगर मैं पूछूं इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, यानी कितने असममित कार्बन परमाणु है, तो यहाँ पर कितने हैं टोटल, 4, 1, 2, 3, 4, 4 एसिमेट्रिक सेंटर। और ये मॉलिक्यूल कैसा है, काइरल, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसिमेट्रिक सेंटर, असममिति के केंद्र क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं प्रकाशिक समायोजिता को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जब प्रकाशिक समायोजिता शुरुआत में पढ़ाई थी तो तुमको बोला था कुछ इनेंशियोमर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, यानी कुछ तो होते हैं मिरर इमेज। मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, मिरर इमेज बनाऊं तो सुपर इम्पोजिबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। तो ये मिरर इमेज कैसी होती है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मिरर इमेज कितने प्रकार की होती है। हम बोल रहे हैं ना दर्पण प्रतिबिंब बनता है, मिरर इमेज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज दो तरह की होती है, एक तो वैसी होगी जो सुपर इम्पोज हो जाएगी, और एक मिरर इमेज ऐसी होगी जो सुपर इम्पोज नहीं होगी। मैं बार बार बोल रही ना कि सुपर इम्पोज हो जाएगी, सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो इनसे अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, एक होते हैं इनेंशियोमर्स और एक होते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। एक क्या होते हैं, एक होते हैं इनेंशियोमर्स प्रतिबिंब रूपी, ठीक है, और एक होते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स, हिंदी में बोलते हैं शायद अप्रतिबिंब रूपी, है ना। तो इनको पढ़ना है, अगर इनको पढ़ना है, इनको समझना है क्या होते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए मिरर इमेज कितने तरह की होती है। तो मैं आज इसको इतना बता देती हूँ, अगले में क्या पढ़ना है, हमें मिरर इमेज को पढ़ना है, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज कितने टाइप की होती है, दर्पण प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के। एक तो होते हैं जो सुपर इम्पोजेबल होते हैं, या पहले ले लो नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक तो मिरर इमेज ऐसी होगी जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, यानी कि जिससे वो बनी है उस पर अध्यारोपित नहीं होगी, जैसे कि हमारे दोनों हाथ। दोनों हाथ क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल, अध्यारोपित नहीं होते, ठीक है। और एक मिरर इमेज कैसी होती है, सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मतलब जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाए, जैसे कल मैंने कागज दिखाया था ना, कागज के दो टुकड़े किए थे, दोनों टुकड़े आपस में क्या थे, एक दूसरे की मिरर इमेज थे, और दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे थे, अध्यारोपित हो रहे थे। तो मिरर इमेज दो तरह की होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल। और इन्हीं से अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो इनेंशियोमर्स होती, और अगर सुपर इम्पोजेबल होगी तो देखते हैं कि क्या वो इनेंशियोमर्स प्राप्त होंगे, कब डायस्टीरियो आइसोमर्स प्राप्त होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनेंशियोमर्स को और डायस्टीरियो आइसोमर्स को, फिर हम देखेंगे RS नोमेनक्लेचर। जब हम ये चीज समझ में आ जाएंगी तो फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे RS नोमेनक्लेचर पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।